यूरोपियन इन चीज़ों को देख के खुश होते हैं, ये झंडे, इस तरह की लाइटें। चीज़ें आपने नोटिस की है, जो बंगाली हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो सबसे पहले लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं भाई। और चाइना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? अभी बच गए जी 2, और पहले भी हमने उठ के बड़े काम किए हैं, बर्तन भी कुछ पड़े हुए थे धोए हैं, और अभी अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। अभी कल के जो कपड़े धोए हुए थे और रात को मैंने वैसे ही अभी ये डाले हुए कुछ सूखने के लिए, बल्कि सूख ही गए हैं कुछ। आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है बाहर। और क्या करना है, अभी 2:30 तो बज 2 तो बज गए हैं अभी, तो हम ब्रेकफास्ट प्लस लंच है हमारा। और स्कूल भी आपको जैसे पता है कि भाई ने स्कूल स्टार्ट कर दिया, तो मैडम बोल रही थी वो शॉर्पनर, वो लेड पेंसिल और रेजर लेके आना, बॉल पेंट से नहीं चलना। तो अपना होमवर्क भी मिला हुआ है, होमवर्क भी करना है अभी हमें, और अपने भी थोड़े काम हैं। जैसे आपको पता है कि मैं कोई US कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ, तो उनका भी एक काम पड़ा हुआ है। तो आज भाई बड़े काम है, मुझे टेंशन है पूरे कैसे होंगे, लेकिन पहले कुछ खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन में जो होता है ना, मैं ज़्यादा खाता हूँ। ये पता नहीं क्या चीज़ है जब टेंशन होती है ज़्यादा खाता हूँ। तो अभी अपना जो लंच प्लस ब्रेकफास्ट जो है, हम उसको प्रिपेयर कर लें। मेरा मोस्टली जो ब्रेकफास्ट और डिनर और समटाइम जो लंच है, वो भी इस लैपटॉप के सामने गुजरता है। अभी भी मैंने काम करना है, और ये रहा जी हमारा ब्रेकफास्ट प्लस हमारा लंच। तो जी पहले हम इसको खा लें, थोड़ी एनर्जी आ जाए, एनर्जेटिक हो जाए, कॉफ़ी पी लें, तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी जी हमारी तैयारी है जिम की, और जिम जाने से पहले कुछ खाना पीना भी करना चाहिए। बैग मेरा ऑलरेडी रेडी है, और जी आ जाए चलते हैं अब जिम की तरफ। यूरोप में नो डाउट टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाई क्या करें, अपने ज़ात के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। जब मैं एग्रीकल्चर में जॉब कर रहा था, काम करता, जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, तो तब मैंने जिम छोड़ दिया था, मैं जिम नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे यूरोप में हम बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें, फिर थकावट इतनी हो जाती है। थकावट की तो बात नहीं है, लेकिन रिहाइश इतनी दूर मिली होती थी शहर से एग्रीकल्चर में, तो वहाँ आना जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। लेकिन जब मैंने गाड़ी ले ली थी, अपनी कार ले ली, तो फिर मैं आता जाता था, लेकिन वो कुछ अर्सा था, फिर मैंने मूव कर लिया था वहाँ से, फारो से। यूरोपियंस इन चीज़ों को देख के खुश होते हैं, ये झंडे, इस तरह की लाइटें। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, वो इस तरह की चीज़ें देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बैरियो आल्तो की पुरानी बिल्डिंग्स, इस तरह के झंडे, लाइटिंग, और कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें पुरानी पुरानी लगाई होती हैं। तो जो मॉडर्न कंट्री से लोग आते हैं, गोरे आते हैं, उसको देख के खुश होते हैं। सुपर मार्केट्स के अंदर ऐसी ऑरेंजेस की मशीन्स लगी होती हैं फ्रेश जूस वाली, तो भाई जिम के बाद तो फ्रेश जूस पीना बनता है, इतना वर्कआउट करने के बाद जो, और अभी थोड़ी दिन में थोड़ी गर्मी भी होती है, तो दिल घबराता है भाई, तो फ्रेश जूस पीना बनता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी इजी एक्सेस होती है कि आप खुद ही डाल के, ऑर्गेनिकली जो आप जो आर्टिफिशली पीते हैं, उससे बेहतर है कि फ्रेश वाला पिए, ज़्यादा अच्छा होता है। अभी सीन ऐसा है कि हमें जाना है स्कूल, और जैसे आपको पता है या नहीं पता चले बता देते हैं कि मैंने लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए लैंग्वेज स्कूल स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी टाइम हो गया वहाँ जाने का। और जैकेट मैंने ले ली है भाई अपनी, क्योंकि ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है अभी, और मौसम काफ़ी चेंज हो गया। पुर्तगाल की बात करें, यूरोप में तो वैसे भी कई कंट्रीज़ में सर्दी आ गई है, अब पुर्तगाल में भी सर्दी स्टार्ट होना शुरू होगी। कल जैसे कल के ब्लॉग के अंदर भी हवा आपने देखी होगी, तेज ठंडी हवा थी, और मुझे कल ठंड भी लगी थी, और रात को छींकें और फ्लू, बड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। लेकिन इसलिए आज हमने अपनी भाई जैकेट जो है हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वापसी भी ठंड हो चुकी है, और मैं रात को करीबन 9:30-10 बजे वहाँ से वापस आता हूँ स्कूल से, तो रात के टाइम वैसे भी ठंडी हवा चल रही होती है, तो भाई अपना आप कवर करना पड़ता है। और हमें अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, आप ही रखना पैंता है। मेरा भी लिस्बन का ये वाला जो रोड है, ये वाला जो एरिया है, ये बड़ा पोश एरिया, और यहाँ आपको ऐसा फील होता है जैसे आप लाहौर के मार रोड पर नहीं आगे, ये देखें यहाँ पे मोस्टली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गुची, अरमानी, डीजल, इस लेवल के जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड आपको यहाँ पे सारे इसी रोड के ऊपर मिलेंगे। और जितने भी मोस्टली कैनेडियन अम्बेसी भी इसी रोड के ऊपर है, वो रोड के उस तरफ है, कैनेडियन अम्बेसी भी, ऑस्ट्रेलियन अम्बेसी, न्यूजीलैंड की अम्बेसी, बड़ी अम्बेसीज हैं वो भी इसी तरफ ही हैं, इसी लाइन के अंदर ही है। ये कोई ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है, कोई 1 किलोमीटर का होगा ये एरिया, लेकिन मज़े का है।
और मोस्टली आपको यहाँ पे जो रिच फॉरनर्स हैं यानी कि रिच यूरोपियंस हैं वो जो पैसा खर्च करने वाले हैं ज़्यादा, वो इसी जगह पे आपको मिलेंगे। थोड़ा भाई चल के जाना, मुझे भूख लगी थी और हमने फिर ले ली फिश रास्ते में। यहाँ मज़े की बात यह है यूरोप में जगह जगह कैफेटेरियाज हैं, भूख लगे छोटा मोटा स्नैक्स लेके आप खा सकते हैं। हम अपने स्कूल में आ गए हैं, पीछे बच्चे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे आपको, ये देखें ऐसे लगता है कि मैं 9-10 में दोबारा आ गया हूँ भाई, 9-10 के एग्ज़ाम देने आया हूँ यहाँ पे, ऐसी फीलिंग आ रही है दोबारा से। कोई बात नहीं, लैंग्वेज सीखना भी बहुत ज़रूरी है भाई, और जो मैडम ने कल का काम दिया वो मैंने किया भी नहीं है, मज़े की बात ये है क्योंकि मैं बिज़ी रहा हूँ वीकेंड यार, अपनी चीज मस्ती भी होती है, अभी उन्हें ऐसी उम्र आके पढ़ना है, ऐसी उम्र आके भी होमवर्क करने तो फिर छोड़ दो यार। ये सीन ये है, कल जो पहली हमारी क्लास हुई थी वो उस बिल्डिंग में हुई थी, तो अभी जो हमारी जो क्लास है यहाँ पे रूम हमारा चेंज हो गया, रूम नंबर 15 पहले 39 था, अभी 15 हो गया है। नीचे भी भाई ये सारे बच्चे ही हैं लैंग्वेज सीखने वाले, तो लैंग्वेज तो सीखनी सीखनी है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, जो बंगाली हैं बांग्लादेश से आते हैं वो सबसे पहले लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं भाई, और चाइनीज़ भी, तो इसलिए वो कामयाब है यहाँ पे, वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लिस्बन में रह रहे हैं, खेतों में धक्के नहीं खा रहे क्योंकि वो लैंग्वेज पे ग्रिप कर रहे हैं। पहले ब्रेक हुई हुई थी कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, कॉफ़ी शॉफी पी लें भाई, दिमाग पक जाता है पढ़ पढ़ के, इतना क्या पढ़ना इतने अरसे के बाद, तो अभी ब्रेक खत्म हो गई है, कॉफ़ी पी ली हमने, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, सर्दी बहुत हो गई, जैकेट पहननी पड़ गई भाई, जैकेट पहन लें, और आज ही चलते हैं जब क्लास की तरफ, अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ना भी है। जी हमारी हो गई है छुट्टी, सब दोस्तों को जो नए हमारे फ्रेंड्स बने हैं क्लासमेट्स उनको हेलो हाय बाय शाय सब बोल दिया, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, शाम में रात में ठंड हो जाती है काफ़ी, तो शुगर हमने अपनी जैकेट ले ली थी अपने साथ, तो अभी घर जाएंगे, घर जाके क्या करना है, घर जाके हम लोग डिनर करेंगे, डिनर के बाद फिर जो काम है हमारे वो भी करेंगे, वो करने के हैं कुछ व्लॉग्स हैं वो एडिट करने हैं, फिर उनको पोस्ट करना है, और ये वाला व्लॉग भी एडिट करके पोस्ट करना है और आपको दिखाना है भाई आज का दिन हमारा कैसा रहा। ये बड़ी बदतमीजी है, मैं अभी फिर सबवे में गया था आज, फिर मैं आते थोड़ा लेट हो जाता हूँ, कह रहे जी क्लोज़ हो गया, लास्ट टाइम भी मैं आया था यहाँ पर उन्होंने कहा क्लोज़ हो गया, आज फिर मैं लेट हो गया हूँ तो ये क्लोज़ हो गया। जो पीछे ट्रैम खड़ी है छोटी, इससे भी मैं ऊपर जा सकता हूँ उधर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी वो खाली पड़ी हुई है, वो दो बंदे बैठे हुए हैं, ये फुल होगी फिर ये इधर से उधर मूव करेगी, उतने में भाई मैंने घर पहुँच के अपना डिनर भी कर लेना है। तो हमारे ख्याल से हमारी किस्मत में जिस दिन हमने स्कूल जाना होता है तो सबवे हमारी किस्मत में है नहीं है, फिर किस दिन से ही। फाइनली जी घर पहुँच गया हूँ, और अभी क्या करना है, हमने जो हमारे कपड़े हमें धो के डाले हुए थे, ये मेरे सॉक्स हैं और बारिश वाले कपड़े जो हैं हम इनको उतार लें, पहले हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, मौसम ख़राब है, ये ना बारिश आ जाए तो फिर हमारी जो मेहनत है फिर दोबारा धोने पड़ेंगे, तो पहले हम उनको पहले उतार लें। एक काम तो हुआ डन, ख़त्म हुआ, टेंशन ख़त्म हुई, अब हमने करना है डिनर, और आज ही फिर डिनर तैयार करते हैं। डिनर हमने कर ली है अपना रेडी, और हम ये लेमन जूस जो है ऑर्गेनिक हमने आज लिया दिन में, अक्सर यही पीता हूँ जब बाहर जाता हूँ, अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए भी, और ये रहा जी हमारा डिनर, और ये रहा हमारा ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है लेमन जूस, और जी आज हुआ हमारा आज का आलीशान मज़ेदार और ज़बरदस्त दिन ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल है, मैं थक भी गया हूँ, मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा, मुझे करना है रेस्ट, और वो लोगों को कहते हैं यही ख़त्म, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट आपने लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं कल के व्लॉग के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़।